आज सभी उस परिवार के वंशज इस गांव में स्वराज स्वाभिमान यात्रा में हमारे साथ आपके गांव के आदरणीय मुखिया जी, मंच में हमारे साथ आदरणीय वार्ड मेंबर, महिला समूह की सभी दीदी और हमारे सभी सहयोगी, स्वराज स्वाभिमान यात्रा के सभी सहयोगियों को आज शहीद गणपत राय जी के इस गांव में मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सभी को जोहार करते हैं। हम अपने पत्रकार मित्रों, ये मेरा सौभाग्य और प्रत्यक्ष रूप से आज यहां बैठकर मेरा आना और मेरा पूरा ये अभियान, ये तीसरा चरण है ये अभियान का, और तीसरा चरण हमारे इस गांव से लेकर दो तारीख को समाप्त होगा बड़का गांव में। और ये अभियान का मूलतः सार और उद्देश्य हमारा है कि इस अभियान के माध्यम से स्वराज्य के दो बड़े नेता धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के अबुआ राजा हुआ दिशुम के उस कल्पना को हम गांव में कहां पाते हैं, और साथ ही साथ आजाद भारत के सबसे बड़े नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने आजाद भारत में और भारतीयों के बारे में जो उनका सोच था कि भारत गांव का देश है और इसका संचालन गांव से होना है, हम बोलते हैं बोल के उन्होंने कल्पना किया था कि कभी भी भारत को समग्र रूप से एक साथ आगे बढ़ने के लिए केवल 20-30 लोगों का समूह दिल्ली से, पटना से या रांची से गांव कभी भी नहीं चल सकता है, गांव को नेतृत्व नहीं मिल सकता है, ये भारत को नेतृत्व नहीं मिल सकता है। अगर भारत को आगे बढ़ना है, भारत को आगे जाना है, भारत को तरक्की करना है तो सत्ता के केंद्र को गांव में स्थापित करना होगा, और जिस दिन गांव में सत्ता का केंद्र यह ग्राम सभा का मान्यता बड़ा होगा, भारत तरक्की करेगा, समग्र तरक्की करेगा। आज उन्हीं की उन कल्पनाओं को लगभग 67 साल बीत जाने के बाद गांव के इस चौपाल में बैठकर एक साधारण चर्चा में जो आपके संवाद हमारे पास आए, मैं यहां पर आया तो हो सकता था कि राजनेताओं का कार्यक्रम भी हमेशा बड़े कार्यक्रमों में लगता है कि भाई कोई बड़ा सम्मेलन होगा, बड़ा राजनीतिक कोई चुनाव मंच होगा तो शायद सुदेश महतो गांव आ सकते थे, गांव में आके बात करेंगे। लेकिन मैंने इस पूरे कार्यक्रम में मैंने संगठन झंडा को पीछे रखा है, मैं एक साधारण इस राज्य के बारे में एक साधारण रूप से लोगों के बीच में गांव के वास्तविक हालात को सीधे तौर पर संज्ञान में लाने, क्योंकि जिस गांव में हम आए हैं ये शहादत का इस प्रदेश और इस झारखंड भूखंड का एक बड़ा उदाहरण है कि भाई धरती का ये लाल यही जमीन से तैयार हो और अपना माटी का सुरक्षा के लिए अपने लोगों के बैठ कर ये बोल रहे हैं कि बाबू हमको नहीं मिला, हमको कोई सरकारी सुविधा नहीं मिला, हमको न्याय नहीं मिल पाया। आज हम यहां मूल्यांकन करने बैठे हैं कि देश कहां से चल रहा है, देश चला 70 के बाद हमने महसूस किया कि गांव में ग्राम सभा और पंचायत को पुनर्गठित, इस प्रदेश में प्रथम बार पंचायत चुनाव हुआ और पंचायत चुनाव होने के बाद में कोई एमपी मेंबर पार्लियामेंट आकर पब्लिक का प्रतिनिधित्व सीधे तौर पर कर नहीं पहुंच, हमने पंचायत को उसी महात्मा गांधी जी, आदरणीय महात्मा गांधी जी के उसी मेंबर का चुनाव हुआ है। आज यहां पर हम आए, आने के बाद अपने नेता का चयन अगर हो गया है तो पंचायत का जो मुखिया है वो यहां खड़ा होकर बोल रहे हैं कि इनका नाम तो भरे थे लेकिन नहीं हुआ। मुखिया जी क्यों नहीं हुआ,
रहा हूँ, क्या कारण समझते हैं? छोड़ दो तुम्हारा यहाँ जो है सो हम लोग पंचायत में, पूरा पंचायत 13 वार्ड होते हैं, 13 वार्ड में से केवल काज कारिणी के जो मीटिंग होता है, मीटिंग में अगर हम लोग को साइन होता है उसके बाद कोई पूछ नहीं, कोई ताल्लुक नहीं रहता, वार्ड को कोई वैल्यू नहीं देता, ना हमारे मुखिया जी वैल्यू दिए हैं, ना हमारे BDO साहब वैल्यू देते हैं, ना हमारे पंचायत सचिव वैल्यू देते हैं, तो कोई मतलब नहीं रखते केवल साइन होने के बाद, और साइन होने के पहले तो सारा चीज वैल्यू मिलता है। सरकार तो बड़ा बड़ा पोस्टर में बोलती है कि सबको मिलेगा पेंशन, बोलती है ना सरकार बड़ा बड़ा पोस्टर में। शौचालय के लिए जाते जो बाहर में अथी करेगा उसके लिए 500 रुपया जुर्माना सरकार ने घोषणा किया है कि बाहर में जो शौच करता है उसको 500 रुपया जुर्माना और उसको 6 महीने के जेल के लिए घोषणा किया हुआ। और हम लोग अभी तक शौचालय बना हुआ है अभी। बहुत अच्छा बाबू, ठीक। तो अभी वार्ड जी ने कहा कि भाई हमारा कोई वैल्यू नहीं है, मुखिया जी ने कहा हम कितना बार दे चुके हैं, तो अभी यही बोलते हैं कि मेरा वैल्यू नहीं है। क्या है वैल्यू आपके बात का? ये पंचायत में जो तय करते हैं, हम बोल दे रहे, पंचायत में जो तय करते हैं आपने इनका दिया होगा, ये बात तो मिलना चाहिए इनको, पेंशन तो मिलना चाहिए ना। और ये इनसे तो गरीब नहीं ना होगा, ये तो गरीब है, देख है तो पक्का, आप भी तो मूल्यांकन कर चुके हैं, मिलना चाहिए ना बाबू, मिलना चाहिए, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। तो ये नहीं मिल रहा है तो इसका जवाब है कि इनका काम नहीं कर रहा है, या सरकार बोल रही है कि कोटा पूरा हो गया, तो कोटा कौन भर दिया? मैंने आप क्या सोचते हैं कोटा भरेगा? ये बोलते बोलते बहुत दिन हो गया, ये आवास भी लोगों को नहीं मिला है, घर भी नहीं मिला है, नहीं मिला है ना घर अभी। खुद खुद गणपत जी का परिवार में, इनका परिवार में ही बोले कि नहीं मिला है। स्पीकर साहब आए थे, आश्वासन दिए थे पिछला साल मेला में कि मेला तो लगता है उनके नाम पर यहाँ, लेकिन आश्वासन के बाद भी इनको नहीं मिल पाया, यही सच्चाई। आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। लेकिन ये बात जब हम सरकार के सामने बोलते, अगर वास्तव में गांव के स्वरूप और सरकार को इस सुविधा का मूल्यांकन करना है तो चौपाल में बैठना होगा, गांव में बैठना होगा, तब जाके इसका हल हो सकता है। यहाँ BDO आके देखे हैं कभी? BDO आते हैं? BDO आते हैं कभी? BDO नहीं आते कभी? आके ऐसा पूछे है कि आपका हुआ है कि नहीं? सुदेश मातो जैसे आज आके बैठ के पूछ रहा है, ऐसा पूछे है कभी? कभी नहीं पूछे। वही आके ऐसा पूछा कि बना है कि नहीं बना है, तो BDO का काम है, BDO तो फील्ड ऑफिसर है, उसको जाके देखना चाहिए। देखते हैं क्या? कभी देखे हैं? नहीं देखे हैं कभी? पूछे भी नहीं आप? देखे हैं BDO को गांव में? आज तक कितना दिन हो गया सर? अपर निकला है 20-30-40 इंदिरा निकला है, मगर BDO एक दिन इंदिरा के बगल में नहीं आके घूम के देखा है कि मेरा इंदिरा गिर रहा है कि क्या हो रहा है। अभी इंदिरा आधा आधा सब होके पड़ा हुआ है। ठीक है दीदी, ठीक, हम खाली आपका आवाज को बड़ा करने आए, क्योंकि गरीब का आवाज नहीं सुनता है। हमारे आने से पहले पत्रकार भाई बोल रहे थे कि ये यात्रा को कैसे किस रूप से लेना है, तो शायद इसको इस रूप से लीजिए कि भैरव जैसे गांव के गरीब लोगों का बात अनसुना किया जाता है, तो सुदेश मातो गांव में आकर इस गरीब का आवाज को बड़ा करना चाहता है, ताकि सरकार को कम सुनाई देता है तो उसको ज्यादा सुनाई देने लगे, इसलिए सुदेश मातो ये ताकत बढ़ाने आए हैं। क्योंकि ये भी आदि हो गए हैं, ये भारत में, पूरे भारत में दो बड़ा योजना पहले शुरू हुआ दीदी 1980 में, 80 काल में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी प्रारंभ की आवास योजना कि गरीब को आवास देंगे, और गरीब का पेंशन योजना, ये 1980 में शुरू हुआ है। हम लोग कब है? 2018 में है आज। एक थोड़ा बाबू, एक थोड़ा चर्चा नहीं करेंगे। 2018 में 38 साल बीत गया, 38 साल बीत जाने के बाद भी दिल्ली से योजना चल के पटना, पटना से रांची, रांची से लोहरदगा, लोहरदगा से आपका भंडरा, और भंडरा से भैरव आने में 38 साल लग गया है, अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा है। यही तो रास्ता है, विकास का आने का रास्ता तो यही है। दिल्ली से आता पहले पटना आता था, क्योंकि संयुक्त बिहार में थे हम लोग, तो पटना फिर रांची, रांची से लोहरदगा, लोहरदगा से भंडरा, और भंडरा से फिर हमारा यहाँ मुख्यालय आने में 38 साल लग गया, फिर भी यहाँ काम नहीं हो पाया है। और एक मनुष्य का जीवन कितना है? 60 साल, 60 साल, 65 साल है,
तो जीवन का 38 साल आधा जीवन दे दिया, लेकिन अभी तक दो योजना है, अभी घर सबका नहीं मिला है। गरीब लोग का घर मिला है क्या? नहीं मिला है। अभी यहाँ बैठे तो पेंशन भी नहीं मिला है, नहीं मिला है पेंशन, नहीं मिल पाया। तो ये हाँ दीदी, अभी अभी यही बात को बड़ा करने के लिए हम आए, और पूरा राज्य भर में आपका ये भाई, जब अनसुना विषय को किया जा रहा है, तो हमने 38,000 गांव में से 5,000 गांव पद यात्रा करने का हमने निर्णय लिया है, और 5,000 गांव में से 450 गांव मेरा पूरा हुआ है, और उसके आगे आपके गांव से प्रारंभ कर रहे हैं। ऐसे ही चौपाल में बैठकर हम सरकार को ढूंढने आए हैं। सरकार आखिर कौन? सरकार कोई खोजने आए हैं हम लोग? सरकार किसको बोलते हैं? सरकार है कौन दीदी? सरकार होता कौन है? कौन होते हैं सरकार? सरकार कौन है? पब्लिक सरकार। सरकार पब्लिक बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं लोग? पब्लिक है सरकार है, नहीं ना बोलते हैं? तो पब्लिक सरकार कैसे होता है इसको देखते हैं थोड़ा। पब्लिक सरकार मतलब पब्लिक साइड से, माने आपके द्वारा चुनाव प्रतिनिधि ही सरकार है। तो सरकार आप है, दादा खड़े हो जाइए। तो सरकार ये हुए, हमारा स्वरूप हुए ना मुख्यमंत्री, ये सरकार है, हमारा जिला परिषद ही सरकार है, ये भी सरकार है, चलो ये भी सरकार है, पंचायत समिति भी है क्या? नहीं है। तो ये सरकार है, सरकार मतलब हम लोग का पब्लिक से चुना हुआ प्रतिनिधि। तो आज हम सरकार से ही पूछते हैं, एमएलए भी सरकार, एमपी भी सरकार, ठीक है, ये लोग चुना हुआ लोग हम लोग सरकार बोलते हैं, सरकार हमारा, तो हमारा सरकार का देखो आप शक्ति कैसा है। तो पेंशन मिलता है ना? मिलता है आपको? नहीं मिलता है। तो देखो, तो ये वार्ड मेंबर साहब, आप ये चाहेंगे तो कल इनको इंदिरा आवास दिला सकते हैं या पेंशन हो सकता है? आप दिला सकते हैं? हम नहीं कर रहे हैं। मुखिया साहब सकेंगे? ये लड़ सकते हैं बोले, कल हो सकता है, ये गारंटी है। आप कर सकते हैं? मैंने समय लगेगा तो पूरा 5 साल में कितना लोग को करिएगा? 1 सप्ताह में एक तो करिएगा तो? आप बात रख सकती हैं, यही है ठीक, ये बात रख सकते हैं। कोई एमपी इधर बैठे तो चलो बैठो, हम इसका रास्ता बता रहे हैं दादा, आप बताते हैं, हम बताते हैं, बताएंगे मेरा अखबार का दादा लोग को बताएंगे कितना दिए। तो एक एमएलए चाहेंगे तो कल होगा क्या? नहीं होगा। एमपी चाहेंगे, एमपी साहब हमारा मंत्री भी है, ग्रामीण विकास मंत्री है, वो चाहेंगे तो कल होगा क्या? नहीं हो सकता है। लेकिन इनका कल कैसे होगा? एक वीडियो चाहेगा तो कल होगा ना? होगा ना। वीडियो अगर सीओ चाहेंगे कि कल इनको पेंशन देना है तो होगा कि नहीं? हो जाएगा ना, ये तो पक्का होगा, ये आप जान रहे ना, होगा। सरकार फिर कौन? वीडियो किया सरकार कौन हो गया? सरकार कौन हुआ फिर? वीडियो उनका गाड़ी में लिखा रहता है झारखंड सरकार, इसीलिए तीन सरकार लिखा रहता है, थाना के गाड़ी में भी लिखा रहता है और सीओ के गाड़ी में भी लिखा रहता है झारखंड सरकार। छोटा में हम लोग का आपका इकाई भंडरा में तो तीन जो सरकार है ही लोग है, क्योंकि लिखा रहता है। तो आइए आप लोग बोले कि पब्लिक सरकार, तो पब्लिक सरकार की उलोक सरकार कौन सरकार हुआ थी? जवाब दीजिए, कौन सरकार कौन हुआ? वीडियो, वीडियो सरकार, सीओ सरकार, दरोगा सरकार, तो ये लोग का नहीं है दरकार। ये देखिए, यही विषय था, यही विषय हम बोल रहे कि हुआ क्या है, हुआ क्या है। हमारा जनप्रतिनिधि का शक्ति इनके हाथ में शक्ति होना चाहिए था, होना चाहिए था कि नहीं? ये निर्णय लेते, ये जिला परिषद अध्यक्ष है पूरा इस जिला का, ये डीडीसी के को जो आदेश देते डीडीसी को करना था, ये मुखिया साहब को सचिव, इनके सचिव को जो आदेश देते वो करना था, वार्ड मेंबर अपना बात रखता काम होना था, इसीलिए तो जिताते हैं, इसीलिए तो मेंबर जाते हैं। ये प्रथम वोट नहीं है, ये प्रथम वोट नहीं है, 1952 से वोट देते आ रहे, ये एक दिन का दोस्त नहीं है, 1952 से अभी तक वोट हुआ है,
और कम से कम 20 बार 25 बार वोट दिए हैं। लोगों को बोला जाता है, गरीब को, यदि सुनिए, लोगों को बोला जाता है कि वोट देना जरूरी है, बोला जाता है एकदम वोट देना जरूरी है, और नेता गांव में कब आता है, जब चुनाव होता है, गांव का लोग जान गया है, चुनाव होगा तो आएंगे, चुनाव होने से नेता कब आएगा, चुनाव पुनः होगा जरूर नेता आएंगे, ये गांव का लोग जान गया है, और इससे ज्यादा और लोग उम्मीद भी नहीं करता है, मन बना हुआ है। अभी बोलेंगे ये बात आप क्यों नहीं बोलते, तो बोलेंगे बोलने से क्या होगा, अपन आज के जो जीवन चल रहा है चलने दीजिए बाबू, किसी को बोलने से कुछ होता नहीं, ऐसे तो मानते हैं ना हम लोग, कहीं मान लिए, कहीं कुछ पूछिएगा तो किसी को बोलने से क्या होगा, सबको बोल के देखें। ये गांव का दीदी, यहाँ से भंडरा ब्लॉक अगर ये जाएगी तो इसका बात वीडियो सुनेगा, सुनेगा, खाली बोल दीजिए सुनेगा, ये जाके वीडियो से मिल के आ सकती है, मिल सकती है वीडियो से, उसका चपरासी बोल देगा कि घर जाओ आज समय नहीं है वीडियो के पास, बोल देगा कि नहीं, आज समय नहीं है, आज समय नहीं है, वो बोल देंगे कि समय नहीं, और रोजी रोटी खटने वाला परिवार रोज उठ के जाके वीडियो के पास जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है, जाके अपना काम नहीं कर सकता, इसीलिए हम लोग पंचायत भवन बनाए कि पंचायत से काम होगा, जहाँ मुखिया लाचार बैठे हुए हैं, ये एप्लीकेशन दे रहे हैं, दबाव दे रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है, 5000 का आबादी में, ये चाहते तो है, कोई एमएलए एमपी नहीं चाहता है कि काम ना, देखिएगा इतना बड़ा साम्राज्य में आज हो क्या गया, 20 साल से हम लोग इंदिरा आवास और लाल कार्ड से बाहर नहीं निकले, 20 साल से गांव का चर्चा क्या है, गांव में क्या बात करते हैं, केवल लाल कार्ड और इंदिरा आवास बात करते हैं, 20 साल से 25 साल से यही चल रहा है, एमपी आए, एमपी साहब आए जो दिल्ली में बैठते हैं वो भी गांव आएंगे तो गांव का लोग लाल कार्ड बोलेगा, बोलेगा कि नहीं, लाल कार्ड उलझा हुआ है, ये तय नहीं हो पा रहा है, 20 साल एक स्कीम तय नहीं हो पा रहा है कि किसको देना है, और तरक्की का बात हम लोग बड़ा बड़ा पोस्टर में करते हैं, बड़ा बड़ा जगहों पर करते हैं कि ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, वास्तविक तरक्की का आधार बनाने के लिए सरकार को गांव आना होगा, गांव में बैठना होगा, तब जाके काम हो पाएगा, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा, इसके बाद भी और कोई सरकार आ जाए, और एमएलए आ जाए, और एमपी आ जाए, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके हाथ में हमने शक्ति का एक बड़ा कुर्सी और एक बड़ा घेरा दे दिया है, वो घेरा से बाहर वीडियो निकलता नहीं है, उसको जब नौकरी हुआ तो फील्ड अफसर लिखा गया कि फील्ड में जाएगा, गांव का हलचल लेगा और हलचल लेके गांव का सेवा करेगा, लेकिन वीडियो साहब सेवा करते हैं क्या, ब्लॉक में मुफ्त में काम होता है क्या, खाली बोल दीजिए होता है क्या, नहीं नहीं आप बोलने से कैसे होगा, सरकार तो आप बोलती है एकदम फ्री काम होना है, कोई गलत नहीं होगा, कोई यहाँ गलत नहीं कर सकता है, होता है क्या एक भी काम सरकार का होता है, घूस देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, कुछ भी काम करने के लिए आगे देना पैसा देना पड़ता है, आगे पैसा उसका बाद में पाछे काम, माने ये तय है, बिना पैसा काम नहीं होगा, बिना पैसा कोई काम नहीं होगा, एक उदाहरण और एक उदाहरण देते, एक सिंचाई भूमि 10,000, एक इंदिरा आवास 10,000, बोलो बोलो बात तो वही हुआ, घुमा के खड़े बोल रहे हैं, नहीं वो मजबूर तो कर रहा है दादा, छोटू मेरा ये छोटू, वो तो मजबूर कर रहा है या फिर सिस्टम को इस रूप से तैयार कर रहा है ताकि आप मजबूर होके दे, 5 दिन आपको घुमा देगा तो तीसरा दिन आपका बापे बोलेंगे कि बेटा ऐसा मत करो, जाओ कुछ करके काम करके आओ, बोलेंगे ना, ये सिस्टम में बैठा, ये स्वाभिमान की बात सुदेश मातो यही बोलने आया है कि ये अगर जाती है वीडियो ऑफिस में और ये 10 दिन घूम के आती है लेकिन इसका काम नहीं होता है, तो आज वीडियो अगर यहाँ पर गांव में आएंगे और अगर आप लोग यहाँ पर एक तो चेयर नहीं रख दीजिएगा तो मुखिया जी कल जाएंगे तो बोलेंगे क्या मुखिया गाँव गए थे तो चेयर भी नहीं रखा, बोलेंगे कि नहीं बाबू, बोलेंगे कि नहीं, और हमारा माँ इस गाँव की एक मेरी माता 20 दिन वीडियो के यहाँ जाती है, घूम के आती है, इसका सम्मान सम्मान नहीं, वो अधिकारी यहाँ आएगा तो सम्मान खोजेगा, यही तो तैयारी, तो ये स्वाभिमान तो इसका भी है, इसका भी स्वाभिमान जिंदा रहना चाहिए कि नहीं, इसका स्वाभिमान अगर मान्य नहीं है तो आपका स्वाभिमान बचाना गांव का थोड़ी दायित्व है, नहीं ये दायित्व तो आपका है, आप उसके लिए पैसा लेते हैं, आप उसके लिए वेतन लेते हैं, और वेतन लेने वाला कोई सरकारी पदाधिकारी नीचे आकर काम नहीं कर पा रहा, सरकार का ही मान्यता है, देखिए गांव का हालचाल जानने के लिए
माता अपना बच्चा का शरीर गर्म होने से नब्ज पकड़ के गांव में पता चल जाता है कि बुखार है कि नहीं, पता चलता है कि नहीं? बुखार का अंदाजा तो गांव में हर लोग को है कि शरीर गर्म है तो पकड़ के पता चलता है कि बुखार है कि नहीं। उसी तरह से सरकार को अगर देखना है तो गांव में आकर देखना होगा और गांव का ही 5 लोग का हाल पता करने से सरकार का हाल पता चल जाएगा। वीडियो ऑफिस अगर अच्छा चल रहा है तो गांव का लोग बोलेगा सरकार अच्छा चल रहा है, वीडियो ऑफिस ठीक नहीं चल रहा है तो सरकार ठीक नहीं चल रहा है बोलेंगे। थाना ठीक चल रहा है कि नहीं ये थाना जाने से पता चलता है। थाना जाते हैं आप लोग? थाना जाते हैं? कभी धोखा धोखी चल जाते हैं सर, बुलाते हैं तो थाना तीन लोगों का आता है। तो आज कोई भी गरीब आदमी थाना जा सकता है क्या? कोई आदमी थाना जाना पसंद करता है? नहीं सर। कोई पसंद तो नहीं करता है? कोई मजबूरी होने से भी अकेले जा सकता है क्या? नहीं होगा। वो बोलेंगे कि फलना का पापा को पकड़ो चाहे मुखिया को पकड़ो तब जाना, नहीं तो थाना मत जाना। उसकी माँ बापे बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं? तो थाना डराने के लिए, थाना डराता है। एक फैसला थाना का न्याय देखो, इस गाँव में 2 आदमी का अगर झगड़ा हुआ है तब देखे आप लोग, सब देखे तो थाना जाने के बाद न्याय किसको मिलेगा? गरीब आदमी को मिलता है सर, मरता है बहुत जो। न्याय किसको मिलेगा? बड़ा आदमी। दोषी को मिलेगा कि जो निर्दोष है उसको मिलेगा? दोषी तो बड़ा आदमी है, उसको मिलेगा? नहीं सर, उसको नहीं मिलेगा। फैसला किसका पक्ष में जाएगा? गरीब के पक्ष में कि बड़ा आदमी का पक्ष में? मैंने गलती करने के पर भी बड़ा आदमी के पक्ष में जाएगा, जाएगा ना? मैंने ये तय है पहले से दिमाग में आप लोगों का, तय गांव ही मान चुका है कि बड़ा का कुछ नहीं होगा, गरीब का ही होना है, ये तय है ना? ये मान चुका है ना? ये स्वाभाविक न्याय प्रणाली को हम लोग स्वीकार कर चुके हैं। यही तो है कि हम लोग पहले ही मान चुके हैं कि गरीब का दोष नहीं है, फिर भी ये दोषी हो जाएगा, ये गरीब का न्याय नहीं हो पाएगा, बड़ा सजा नहीं पाएगा, ये गाँव वाला पहले ही जानता है। जानता है कि नहीं? ये प्रणाली में ये थाना चल रहा है और ये थाना पर कितना विश्वास चलेगा? ये थाना का ये प्रणाली को बदलना चाहिए ना, बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये ऐसा नहीं, थाना पे विश्वास होना चाहिए कि जाएंगे बड़ा बाबू को बात बोलेंगे, कोई भी आदमी जाए बात करे और विश्वास के साथ आए कि बात बोलेंगे, मेरा पक्ष में न्याय होगा, यदि हम सही है तो सही होगा और गलत है तो गलत होगा, चाहे वो कितना बड़ा आदमी रहे, ऐसा फैसला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और गरीब का काम ब्लॉक जाने से होना चाहिए या फिर अपना पंचायत में होना चाहिए, मुखिया में ये ताकत होना चाहिए, ग्राम सभा में ताकत होना चाहिए कि ग्राम सभा जो फैसला करेगा वही मान्य होगा? गांव में फैसला होता सब लोग देखे हैं कि इनको पेंशन मिलना चाहिए तो गलत नहीं होगा, लेकिन ब्लॉक से फैसला होगा तो गलत होगा कि नहीं होगा? ब्लॉक जाना अपने आप में बड़ा काम है कि 20 किलोमीटर कौन जाएगा, 20 किलोमीटर का खर्च कौन उठाएगा, ये पहला सवाल हो जाता है। उसके बाद आप ब्लॉक जाएंगे और कोई पदाधिकारी जो भ्रमण नहीं करता है वो न्याय कैसे कर सकता कि फलना को मिलना चाहिए कि फलना को मिलना चाहिए? ये फैसला तो ग्राम सभा को करना है और ग्राम सभा को करने वाला ये फैसला नहीं हो रहा है, इसलिए ये स्थिति है। राज्य में सरकार किसका आएगा, अगला चुनाव क्या होगा, ये राजनीतिक दल का अभी सबका सबसे बड़ा कारण हो गया है कि अब राजनीति क्या होता था, पहले राजनीति किसके कारण होता था, कि समाज को गढ़ने का एक सशक्त माध्यम राजनीति है, लेकिन आज राजनीति केवल चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना इतने मात्र उद्देश्य हो गया है, इससे ज्यादा और गांव का लोगों का कोई मान्यता राजनीतिक दल के रूप में कोई नहीं है। आज आपके बीच हम अगर आए तो ये संवाद को सुदेश महतो बड़ा करना चाहता है। आप चाहते हैं ना ये लड़ाई लड़े कि नहीं लड़े? ये लड़ाई को लड़ना चाहिए कि नहीं? क्योंकि कोई गरीब गांव का उठ के ये लड़ाई नहीं लड़ सकता है, क्योंकि वो जानता है कि खाएंगे कूदेंगे कि इतना लोग को एक करेंगे। तो आज मेरा आना ये अभियान का मात्र उद्देश्य है कि आपके स्वाभिमान का सुरक्षा और महात्मा गांधी बिरसा आवा के उन सपनों को साकार करना। और आज हम जिस गाँव में आए हैं, ये गणपत राय जी के आदर्श गाँव में जो अवस्था है, इस अवस्था के खिलाफ में एक बड़ा मुहिम को तैयार करना। ये प्रॉब्लम केवल हमारा नहीं है, ये प्रॉब्लम समस्त राज्य का है, इसलिए सरकार को मूल्यांकन करना होगा, समझना होगा और इस समझाने के लिए हम सबको एक होना होगा। 5,000 गांव जाने का मेरा कार्यक्रम है, 5,000 गांव जाएंगे तो करीबन 2,500 किलोमीटर पद यात्रा करेंगे, मतलब यहां से दिल्ली जाना और दिल्ली से वापस आना, इस तरह का इतना लंबा यात्रा होगा। और यात्रा के बाद हम 5,000 गांव का लोगों का इजाजत के साथ 5,000 गांव का हम लोग जन पंचायत बैठाएंगे और जन पंचायत जो फैसला देगा सुदेश महतो आपका नेतृत्व करेगा और जाके हम लोग काम करेंगे। यही तैयारी करने के लिए आपके बीच में आए, तो ये लड़ा जाए ना, ये लड़ाई को सही है ना? जाति पाति छोड़िए, कहाँ क्या बनेगा वो छोड़िए, ये सरकार
या फिर ये पार्टी से ज्यादा जरूरी ये बड़ा लड़ाई, इसलिए मैंने मेरे राजनीतिक दल का कार्यकर्ता है। बावजूद इसके यदि कल के दिन में हम जगह पर भी आ जाते हैं और ये काम नहीं कर पाते हैं तो आप यही बोलिएगा कि सुदेश महतो भी आया था, कुछ हुआ नहीं, यही ना होगा, मेरे बारे में यही बोला जाएगा। तो ये चीज को खत्म करना है। यदि इस धरती को एक संघर्ष से हम लोगों ने तैयार किया, ये अगर इनकी शहादत, इस गांव के हमारे बेटा ने शहादत दिया, तो इस शहादत के पीछे उनके तर्क को बड़ा करना है और इस गांव के ये वास्तविक स्वरूप और विकास का वास्तविक आईना को हम लोग जो नेतृत्वकर्ता शासक जो कर रहे हैं उनको दिखाना है। ये बड़ा अजीब बात है कि हमारे भीड़ से लोग जाते हैं और जाने के बाद गांव को भूल जाते हैं। ये बड़ी एक आदत सी लगी हुई है भारतीय राजनीति में। इस राजनीति को कहीं ना कहीं एक नई पहल करने की आवश्यकता है और इस जनताकत को बड़ा करना है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि संवैधानिक रूप से ये पब्लिक को बड़ा अधिकार दिया हुआ है, लेकिन पब्लिक का अधिकार को निकाल के सेवक के हाथ में हम लोग दे दिए हैं। फैसला ब्लॉक डीसी ये लोग करने लगे हैं, तो वो फैसला को पुनः उठा के गांव पंचायत सुदेश महतो लाना चाहता है कि फैसला वहां नहीं, फैसला पंचायत में होगा, गांव में होगा। सरकारी पदाधिकारी का काम निगरानी करना है, सरकारी कोष का सुरक्षित करना और उपयोगी योजना बन रहा है कि नहीं ये देखना काम है। अभी डोभा बना था, आपके इधर डोभा आया था कि नहीं? डोभा आया था ना, सरकार डोभा बनाने के पीछे, ये तो हमारा ग्राम सभा से डोभा बना के दिए थे क्या? गाँव में बोले थे कि हम लोग डोभा चाहिए बोल के? गाँव वाला बोले थे कि हमको 20 डोभा चाहिए? कभी बोले? कोई ग्राम सभा में बोले हैं आप लोग? मुखिया जी कभी हुआ है? नहीं हुआ है। ये सरकार थोप दिया योजना, मैंने रांची का वो ऑफिस से तय हो गया, एक सरकारी पदाधिकारी नियम लिखा है, लिखा कि डोभा बनने से जल का संरक्षण होगा, माने पानी जो हमारा स्तर गिर रहा है ये बचाया जा सकता है, ये सरकार डोभा योजना से पहले लिखा। तो आज हम गांव में आए हैं, कितना डोभा बना है आपका गांव में? 150-200 से ऊपर होगा सर। तो ये पूरा पंचायत में ना बाबू? पंचायत में 150-200 बना, तो 150-200 में पानी तो है और हम लोग का जलस्तर कुआं का दीदी लोग को और ज्यादा रस्सी उतारना नहीं पड़ रहा है, ऊपर पानी मिल जा रहा है, हो रहा है ऐसा है? आप कैसे बोल सकते हैं ऐसा? नहीं बोल सकते हैं आप लोग। सरकार बोला कि इसके बाद और बोलता है, वो लिखा हुआ है वहाँ, तो वहाँ क्यों बोला वो कागज को निकाले तो वहाँ लिखा हुआ है सरकार का तौर, वो लिखा हुआ है पीछे कि इससे रोजगार का सृजन भी होगा डोभा से। रोजगार का सृजन कैसे होगा हम बोले? तो बोलता है इसमें मछली पालन होगा और मछली पालन से गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा, तो मेरा बेरोजगार भाई लोग को मछली पालन में रोजगार मिला होगा, तो मिला है कि नहीं? तो मछली है ना वहाँ, यही मछली खा के आए होंगे। वो तो बोला ये मछली पालन से रोजगार बढ़ेगा, तो जितना मछली नहीं निकला उतना छोटा बच्चा का वास निकला होगा डोभा से, यही तो सच्चाई है, कही गई सच्चाई यही है। और इसी सच्चाई को इसी मान्यता पर 2 साल तक सरकार हम लोग को बोला कि अब डोभा बनाओ अभियान के लिए पद यात्रा निकालो, मुखिया लोग को, वार्ड लोग को, हमारा दीदी लोग को लाइन में लगा के बोला कि पद यात्रा निकालो, बोलो योजना बनाओ, योजना बनाओ। और योजना जो हम गांव से बना के देते हैं वो योजना सरकार का कहां पर डिपॉजिट है और सरकार ऊपर से योजना देता है। ये भाई सरकार का ये काम नहीं है कि हम दाल खाएंगे, चावल खाएंगे, चीनी खाएंगे, क्या खाएंगे, ये गांव में हम लोग तय करेंगे। आपका काम केवल संसाधन जुटाना है, फैसला करना गांव पंचायत का काम है, ये पंचायत फैसला करेगा कि हमको क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए। सुदेश महतो इस सिस्टम को चलाना चाहते हैं, वास्तविक ये मेरा नहीं है, ये कल्पना है देश का सबसे बड़ा चिंतक का। अगर आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इस देश के बारे कल्पना किया और सोचे थे कि अगर गांव समग्र चलना है तो यहां से चलना चाहिए, गांव से चलना चाहिए। और इसका देखिए अंतर क्या पड़ा दीदी, ये इतना साल में शहर आगे निकल गया, गांव पीछे छूट गया। मैंने लोहरदगा मतलब लोहरदगा सोच लिए, लोहरदगा का अगर गांव का पगडंडी नहीं बना है तो कोई दिक्कत नहीं, लोहरदगा का रोड चौड़ा हो गया, रांची का रोड चौड़ा हो गया, तो इसी को विकास लोग बोलते हैं कि रोड का चौड़ा हो जाना वहां लोग चल लेंगे, स्मार्ट सिटी बन जाएगा तो पूरा राज्य का इतना परिवार, हमारा इतना बड़ा परिवार को राहत मिल जाएगा, ऐसा सपना लोग देखते हैं। तो ये संभव हो पाएगा क्या? लोहरदगा का विकास गांव का विकास हो सकता है क्या? या रांची का विकास से गांव का विकास का तुलना कर सकते हैं क्या? तो गांव की हालत में जी रहा है, रोजमर्रा का जीवन जीने के लिए 2 जून का रोटी के लिए मेरा गाँव परेशान है,
परेशान है कि नहीं? यहाँ का युवक सवेरे क्या काम करेंगे नहीं करेंगे उसको कोई तय नहीं, रोजगार का कोई गांव में अवसर नहीं है, लेकिन बड़ा बड़ा समारोह के माध्यम से हम लोग ये बात और दावा रांची के बड़े बड़े मैदान में चल रहा है। ये सिस्टम को चुनौती देने के लिए आज ये स्वराज स्वाभिमान यात्रा में आपका बेटा और भाई निकला है। आज ये गांव के पूरे हालत को, ये वास्तविक चेहरा को गांव को लेके सरकार के सामने, और 5000 गांव का लोग, फरवरी का महीना हमको लगेगा, अभी हमको लगेगा पूरा गांव घूमने में, हमको 81 विधानसभा का 5000 गांव जाने में हमको फरवरी तक लगेगा। मेरा कोशिश है कि ठंडा के दिन में ज्यादा चल पाएंगे तो ज्यादा गांव हम भ्रमण कर पाएंगे, लोगों के साथ बैठ पाएंगे, तो इस तैयारी हम कर रहे हैं, और फरवरी महीना में हम लोग सब एक जगह जुटेंगे और एक जगह जुट के फिर हम लोग बैठ के फैसला करेंगे। यही तैयारी करने के लिए आपके बीच यहाँ पर हम आए। हम इस गांव में पेंशन का सुविधा नहीं है, अगर हम आए हैं तो गांव में कुछ काम हो सकता है। पेंशन का काम के लिए तो सरकार का जरूरत है क्या? नहीं है, हम लोग चाहेंगे तो हो सकता है। वार्ड मेंबर इतना तेज है, मुखिया इतना तेज है, खड़ा हो, खड़ा हो दोनों। ये दीदी एक थोड़ा, एक एक तो काम हम आए हैं तो एक तो सॉल्व कुछ करके जाएंगे। पेंशन हो सकता है, जितना गांव का पेंशन है वार्ड मेंबर बाबू, जितना गांव मेरे जितना परिवार है, पेंशन लायक लोगों का सूची बनाइए। ये पेंशन के लिए भी कुछ नहीं, ऑनलाइन करने बोलता है, ऑनलाइन करने बोलता है, तो ऑनलाइन करने से ये काम हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? ऑनलाइन करने से हो सकता है, लेकिन गांव में ऑनलाइन ये सब बात करने से लाल कार्ड पीला कार्ड का कोई कार्ड नहीं होगा तो आधा आता है, तो आधे चावल मिलता है सर, 25 किलो आता है ना, 20 किलो मिलता है, 20 किलो देता है। हां सर, उसके पीछे का तर्क क्या है? देखो राशन देने में पीछे में क्या बोलते हैं, राशन का डीलर हमारा भाई इधर है क्या? समूह को मिला है क्या? समूह को मिला है कि डीलर लोग को मिला है? समूह को भी मिला, समूह को, समूह भी एक थोड़ा मुखिया जी कुछ बोल रहे हैं, सुनो आप ही लोग बोले, बोल रहे हैं कि दो किलो काटना है तो काटने दीजिए, एकदम बोलता है। नहीं नहीं, अगर ये कहना भैया एकदम सही आप बोल रहे हैं, ये अगर कोई भी बोले तो कल से हमारा राशन गुजरा ना करके पब्लिक बोलता है। अमीर आदमी कार्ड बना हुआ है, कुछ बोलबे नहीं करेगा कि हमारा 2 किलो कटिए जा रहा है तो का जी का। गरीब आदमी के कार्ड बन भी नहीं किया। सही नहीं दादा, अब ये है कि हम अलिखित कानून तो नहीं बना सकते कि हम सरकार बोला 35 किलो अनाज देना है तो 35 किलो अनाज देना है। ये अलिखित रूप से कोई गांव में ये कानून और ये नहीं बनाना है कि 2 किलो में बोला क्या जाता था। हम कई गांव गए, हम डुमरी में थे, डुमरी में बोला क्यों काटते हो जी डीलर को, तो बोलता है गिर जाता है। तो हम बोले अच्छा सुनो यहीं पर रहो, तुम लाते हो ब्लॉक से गांव में राशन तो तोरा 35 किलो तो बोल रहा है, 35 किलो लाने में 2 किलो क्षति होता है, हम तुमको पैसा दे रहे, तेरा माँ पैसा देगी, जाओ 50 किलो चावल लाओ तो एक छोटा तो गिरने नहीं देगा, तुम वही चावल लाने उसके घर में भेजेगा तो एक छोटा गिरने देगा क्या? नहीं गिर, क्या देना नहीं देना उसका प्रतिशत तय, अगर ये तय रहता सरकार की 2 किलो अनाज कम करना है तो सरकार 33 किलो का घोषणा करती, 35 किलो नहीं करती। तो ये किसी का मानने का जरूरत नहीं है, राय मानने की जरूरत नहीं है, आप अपना चिंता, इससे ये नहीं है, ये गरीब को ही दिक्कत होता है, होता है कि नहीं? ये दिक्कत इसलिए होता है, देखो देखो दीदी ये हम आएंगे दो और बात बोल देते हैं, एक और बात कि भाई ये ऑनलाइन से पहले, ऑनलाइन आने से पहले, ऑनलाइन बोलने से, ऑनलाइन होगा बोलने से पहले गांव को ऑनलाइन समझाना होगा ना, ऑनलाइन है क्या, ठीक है ना? हम ऐसा कई गांव में गए तो गांव में बोलता है क्या नया बात क्या आया है बाबू, ऑनलाइन बोलता है। दिल्ली लाइन हम लोग जानते थे तो रेल लाइन जानते थे, सरकार ऑनलाइन बोलता है तो ऑनलाइन ही दीदी को बोलेगा जाके, कोई अगर बोल देंगे कि ऑनलाइन करा लो दीदी और ऐसे हो जाएगा तो दीदी ऑनलाइन करा पाएगी? पाएगी बोलो, ऑनलाइन करा कितना लोग सोचता है, ऑनलाइन करवा तो भी दिए हम कार्ड के लिए। दादा पहले तो ऑनलाइन समझना है पहला, और समझ गए आपके पास गए वो भी कोई सुनाई नहीं हुआ, अब अपना क्या करें।